बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नई सरकार को लेकर। फडणवीस के घर पर हलचल तेज हो गई है और उस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। यहीं से ऐलान होगा कि कब वो शपथ लेंगे। पॉलमी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई है। श्वेता शालिनी भी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। और आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए। दुबे जी जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से एक बार आशुतोष के पास चलते हैं। अब की बार ताज होटल रेडिसन ब्लू और रेडिसन ब्लू के बाद ताज होटल, मतलब ली मेरिडियन उसके बाद रेडिसन ब्लू अब ताज पणजी, क्या खबर वहां से? अब देखिए राजनीति में एक नई परंपरा है, आगे करेंगे क्या अंजना, अगर आप बचा के ले जाना, जैसे भी शिवसेना के नेता कह रहे थे कि कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मुंबई में भी पर्याप्त पानी है और जहां ये पूरी भूमिका लिखी गई गुवाहाटी, वहां पर भी दरअसल आसाम में बाढ़ ही बाढ़ आई हुई, चारों तरफ पानी है। और गोवा में देखिए यहां भी समय इतनी बरसात है कि छाता रेनकोट भी बचा नहीं सकता। फिलहाल बैठक का दौर चल रहा है, एकनाथ शिंदे लगभग 5 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगे। और चूंकि वो कह रहे देखिए तमाम संभावनाओं पर कोई कयास न लगाए कोई मंत्रिमंडल को लेकर के, लेकिन क्या राजनीति में कुछ भी फ्री होता है? देयर इज नो फ्री लंच। बिना बार्गेनिंग बिना नेगोशिएशन क्या कभी कोई गठबंधन टूटता है? जहां तक विचारधाराओं की बात है, देखिए एकनाथ शिंदे भी अपना पक्ष कमजोर नहीं करना चाहते। अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं अपने नेताओं को लेके तो उन पर डिस्क्वालिफिकेशन रूल लागू हो जाएगा और इसीलिए वो भी अपना पलड़ा मजबूत रखना चाहेंगे। उनको चुनाव आयोग को जाना ही पड़ेगा ना, खाली दूर से बोल देने से कि हम ही असली शिवसेना है नहीं चलेगा। ऐसे में क्या इस पर कोई पहल नहीं दिख रही है, क्या इस पर कोई जवाब आ रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जब भी इस तरह से कोई पार्टी टूटती है और वो लंबी लड़ाई होगी अंजना, देखिए वो लंबी लड़ाई होगी। 11 तारीख को कोर्ट में अगली सुनवाई है। अगर वो पहले दावा करे और उसके बाद जो स्पीकर होंगे पहले वो उनको रिकॉग्नाइज तो करें कि हाँ सदन के अंदर जो है शिवसेना के नेता यही है और असली शिवसेना यही है। जब वो दावा करेंगे उस दावे को ही लेकर के, तो शिवसेना आपको याद है जब उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई थी तब एक खबर आई थी कि अगर इन्होंने नाम पर दावा किया तो वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। तो पहले ये दावा तो करें, जब तक औपचारिक कागजी तरीके से नहीं आता, समर्थन की चिट्ठी नहीं आती, तब तक वो रास्ता अभी बंद। एक सेकंड, आपको टोकरी में बड़ी खबर आ रही है। पॉलमी हमारे साथ जुड़े हैं। फडणवीस के घर पर बीजेपी की अहम बैठक है, क्या इसी बैठक में पॉलमी ये तय होगा कि सरकार बनाने का दावा कब पेश करेंगे, कब शपथ लेंगे? सब कुछ यहीं से खाका बन रहा है, कौन कौन पहुंच रहा है पॉलमी? जी अंजना, इस वक्त वो कोर ग्रुप की जो मीटिंग है देवेंद्र फडणवीस के घर पर वो शुरू हो चुकी है और इसी बैठक में जैसा कि आप बता रही हैं ये तय होगा कि कब आप गवर्नर की तरफ गवर्नर हाउस की तरफ रुख करेंगे और कब वहां पर जाकर आप दावा ठोकेंगे। उन्हीं डिटेल्स पर इस वक्त चर्चा हो रही है। इस मीटिंग में इस वक्त बीजेपी इंचार्ज जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं वो पहुंच चुके हैं, सीटी रवि पहुंच चुके हैं, जो खास जो एमएलए हैं और नेता हैं गिरीश महाजन हैं या फिर मंगल प्रभात लोढ़ा हैं जो मुंबई बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, ये सारे पहुंच चुके हैं। प्रवीण दरेकर जो एकदम करीबी माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस के, जो कोर ग्रुप जिसे कहलाता है जिनको कहलाते हैं वो आए हुए हैं इस वक्त इस मीटिंग में अंजना। बिल्कुल, लेकिन एक एक इससे पहले जरूर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, लेकिन अब लग रहा है जैसे देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय नेतृत्व ने वहां पर फ्री हैंड दे दिया है और जिस तरह से आंकड़ा और सब कुछ आगे बढ़ रहा है वो फैसले ले रहे हैं अपने नेताओं के साथ आगे के लिए। जी, जो एकदम जो माइन्यूट डिटेल्स जो नेगोशिएशन थे वो अंजना वो खुद देवेंद्र फडणवीस इस वक्त लीड कर रहे हैं। दिल्ली का जरूर एक ये है, इसमें एक पार्टिसिपेशन है क्योंकि सीटी रवि मौजूद है इस बैठक में। सीटी रवि जो इलेक्शन जो इंचार्ज है, स्टेट इंचार्ज है महाराष्ट्र के, वो इस वक्त मौजूद है इस मीटिंग में। तो वो इस वक्त एक तरह से दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव है इस मीटिंग में और सारे डिटेल्स जो है वो इस वक्त तय किए जा रहे हैं कि कब जाना है गवर्नर के पास और किस तरह से आगे जो बात है वो क्या होगी, क्या विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो स्टेक अपना पेश करेंगे, दावा पेश करेंगे सरकार बनाने के लिए, उसके बाद राज्यपाल बुलाकर फिर शपथ कराएंगे। पॉलमी, एक मीटिंग जो है वो दूसरे गुटों के साथ भी होगी, जो कोएलिशन पार्टनर्स बनेंगे बीजेपी के साथ उनके साथ होंगी और वो एक तरह से देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुनेंगे। तो उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस सबका जो लेटर ऑफ सपोर्ट जो होगा, समर्थन का जो लेटर होगा वो लेकर जाएंगे गवर्नर हाउस की तरफ। देवेंद्र फडणवीस जो है वो बीजेपी के नेता ऑलरेडी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर है बीजेपी के। तो जो अगला मीटिंग जो होगा वो सारे गुट के साथ जो दूसरे नेता होंगे कोएलिशन पार्टनर्स उनके साथ होगा। जी,